दोस्तों यदि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आरबीआई ने चेतावनी वाली लिस्ट एक जारी किया है जो कि अपडेट किया है। लिस्ट तो पहले से जारी ही है, उसमें अपडेट किया है। अपडेट कहने का मतलब है कि वैसे प्लेटफॉर्म का लिस्ट में उन्होंने नाम मेंशन किया है जो अनऑथराइज है, ऑथराइज नहीं है। आजकल ट्रेडिंग का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। हर कोई चाहता है एक सप्ताह में, एक महीने में, एक साल में अमीर बन जाए। हम लगाए 10 रुपया, आ जाए 100 रुपया। इस तरह से ट्रेडिंग करना सब कोई पसंद करते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, और वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अमीर हो जाए। इस स्थिति में जिस प्लेटफॉर्म से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें वो देखना पड़ेगा कि वो ऑथराइज है या फिर नहीं है। अगर अनऑथराइज होता है और यदि आपका पैसा डूब जाता है या किसी भी तरह की दिक्कत होती है पैसे को लेकर, तो आप कहां जाओगे, किसको कंप्लेन करोगे? जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ये सब देख रेख करती है, और साथ ही साथ सेबी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं ये भी देखना होता है। दरअसल आरबीआई ने लिस्ट जो जारी किया है उसमें कहा है कि जो अपडेटेड लिस्ट है ना, जिसमें 75 ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम उन्होंने मेंशन किया है जो अनऑथराइज है, और ये जो लिस्ट है वो फॉरेन ट्रेडिंग को लेकर जारी किया गया है। जो आप फॉरेन ट्रेडिंग करती हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नाम है जो आप एडवर्टाइजमेंट में उनका नाम सुने होंगे या फिर आप लोग हो सकता है यूज कर रहे होंगे। तो आरबीआई का जो लिस्ट है, अपडेट है, उसके ऊपर मैं लेकर चलता हूँ और सीधे आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर जो है आरबीआई अपडेट्स द अलर्ट लिस्ट ऑफ अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि आरबीआई ने जो अलर्ट लिस्ट था इनका पहले से उसमें अपडेट किया है। जो अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसका इन्होंने लिस्ट अपडेट किया है, जिसमें आप देखेंगे अभी इसमें आपको 19 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल हेयर पर क्लिक करेंगे यानी मोर पर, तो यहां पर इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि देखो भाई ये जो है अनऑथराइज है, अनऑथराइज यानी ऑथराइज नहीं है, जो कि अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी फेबा, फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी इनको अथॉरिटी नहीं मिला हुआ है। साथ ही इन्होंने ये चीज भी मेंशन किया है कि यहां पर जो आरबीआई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ETP जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के लिए है अंडर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2018, इसके तहत भी इनको ऑथोरिटी नहीं मिला हुआ है। यानी यहां पर साफ इन्होंने मेंशन किया है नॉट ऑथराइज्ड, यानी कि ये ऑथराइज नहीं है, और उन्होंने लिस्ट जारी किया है जिसमें कुल 75 प्लेटफॉर्म का इन्होंने नाम मेंशन किया है। आप देखेंगे नीचे में यहां पर कुल 75 प्लेटफॉर्म है जिसमें आप देखेंगे सब कुछ आपको मिलेगा, और वैसे वैसे एप्लीकेशन, वैसे वैसे प्लेटफॉर्म का भी नाम मिलेगा जिसको आप जानते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखे होंगे या सुने होंगे, जिसमें आप देखेंगे सारे प्लेटफॉर्म का जो पोर्टल है, उसका वेबसाइट है, उसका नाम भी यहां पर, मतलब लिंक भी दिया गया है, और नाम तो दिया ही गया है। ये जितने भी लिस्ट है ना जो आप देख पा रहे हैं, ये जितने भी लिस्ट है वो अनऑथराइज वाला लिस्ट अपडेट किया गया है और अलर्ट दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अब आपको इसमें करना क्या होगा, क्या पहले से ट्रेडिंग करते हैं वो आप पैसे निकाल लेंगे या यहीं पर समाप्त कर देंगे? वैसे इस लिस्ट में काफी सारे ऐसे नाम भी दिया गया है जिस पर आप भरोसा करते होंगे या भरोसे के काबिल आप समझते होंगे। इसमें से कुछ ऐसे नाम है जिसे मैंने गूगल सर्च किया तो कहा गया कि ये 100% सेफ है, लेकिन ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। अब 100% सियोरिटी यहां पर मिल रहा है तो अनऑथराइज लिस्ट में क्यों आ रहा है? तो आपको मैं बताऊं कि यहां पर जो आरबीआई ने ये मेंशन किया जो कि फेमा, इसके अंदर भी वो ऑथराइज इसको नहीं मिला हुआ है, और आरबीआई ने जो 2018 की रेगुलेशन बताया इसके अंदर भी वो ऑथराइज नहीं है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपका पैसा लेकर भाग जाएगा, लेकिन क्या भरोसा करोगे? अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप कहां जाओगे, किसको कंप्लेंट दोगे? आरबीआई कह देगा कि मैंने लिस्ट में मेंशन कर दिया था कि ये ऑथराइज नहीं है, और ऐसे भी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को जरूर चेक करना चाहिए कि वो ऑथराइज है या फिर नहीं है। अब जब खुद वहां पर फेमा में वो अनऑथराइज है तो यहां पर आरबीआई में भी अनऑथराइज है, तो आप कहां जाओगे, क्या करोगे? तो कंपनी से आप सीधे संपर्क करोगे ज्यादा से ज्यादा, और वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है, अब आपका मर्जी। मैंने यहां पर पूरा लिस्ट दिखा दिया, आरबीआई को जो कहना था वो कह दिया, और मैंने आपको समझा दिया जो आप समझना चाहते होंगे और समझ चुके होंगे मुझे उम्मीद है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में, धन्यवाद।